हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय स्टडी चैनल विंग सेक्रेटरी। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का अफर्मेटिव बनाया था, इसके बाद अब आपका निगेटिव और इंटरगेटिव है। जैसा कि आपका टॉपिक लिखा है आज का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टेंस पार्ट टू, इसमें क्या हमें पढ़ना निगेटिव और इंटरगेटिव। तो हम निगेटिव सेंटेंसेस कैसे पहचानेंगे जिसमें कि नहीं आता हो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें नहीं आता हो हमारा निगेटिव सेंटेंसेस होता है। तो इसमें क्या करना है, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि राम अपना काम नहीं करता है। अब जिसमें नहीं वर्ड है ये हमें शो ऑफ कराता है जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका कुछ नेगेटिव का कुछ रूल होता है, जैसे कि हमने आपको मीटिंग में आपको रूल बताया था। इसमें सबसे पहले हम क्या सब्जेक्ट लगाते हैं, इसका डू या फिर डज। डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज करते हैं और हमेशा नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंसेस यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जबकि अफर्मेटिव में सेंटेंसेस नहीं यूज होता है। इसमें नॉट, इसमें वर्ब का फर्स्ट और इसमें ऑब्जेक्ट का फर्स्ट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल में इसको बनाना चाहें, जैसे मेरा एग्जाम्पल राम अपना काम नहीं करता, इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले रूल्स कहता है कि मेरा सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट किसमें, सब्जेक्ट किसमें क्या है, राम है। इसके बाद क्या कहता है कि डू या डज। अच्छा, डू या डज किसमें करेगा, जो डू लगता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और जो डज लगता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। जिसमें हम देख सकते हैं कि जो राम मेरा है वो सिंगुलर में, सिंगुलर साथ क्या रहेगा, राम डज। इसके बाद रूल कह रहा था नॉट यूज, नॉट यूज हो गया। इसके बाद क्या कहता है कि मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट वर्ब मतलब मेन वर्ब जो होती है, तो मेन वर्ब में क्या है, काम करना, करना क्या हो जाएगा, डू लगा लेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब अपना काम के लिए होता है हिज वर्ड। तो इस तरीके से हम अपने पूरे प्लेन इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बता सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये कंफ्यूजन है कि किसके साथ हिज वर्ड होगा, किसके साथ। तो देखिए कुछ मैं आपको यहाँ पे सर्टेन चीजें लिख रहा हूँ, ही के साथ हमेशा अपने जो इनपुट होता है हिज होता है, प्रोनाउन होता है हिज होता है, आई का होता है क्या, माई होता है अपना। इसके बाद सी का क्या होता है, सी का होता है हर। इसके बाद दे का क्या होता है, देयर होता है। इसके बाद इधर हम देखते रहे, दे का देयर हो गया। यू का क्या होता है, योर होता है अपना। इसके बाद वी होता है, वी का क्या होता है, आवर होता है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहे हैं, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस और हम लिख रहे हैं क्या आपको, देखो जैसे कि हम एक दो सेंटेंसेस और लिख रहे हैं, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। इसके रिकॉर्डिंग में रूल्स कह रहा हूँ, हमारा क्या था, पहले सब्जेक्ट था, इसके बाद डू या डज था, इसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब। तो इसमें हमारा रूल सबसे पहले क्या था कि सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम राम हमारा सिंगलर है, सिंगलर साथ हमेशा क्या लगता है, डज लगता है, डज। इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट वर्ब, वर्ब का फर्स्ट वर्ब क्या, मेन वर्ब इसमें क्या, खेलना, खेलना क्या होता है, प्ले। इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट, क्रिकेट। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। सब कुछ होमवर्क है जो आप लोगों को करना है, करके ग्रुप में भेजना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं शाम को नहीं पढ़ता हूँ, तुम अपना काम नहीं करते हो, राम
विद्यालय नहीं जाता है। फोर्थ है अध्यापक नहीं पढ़ाता है। फिफ्थ है हम अपने घर नहीं जाते हैं। तो ये आपका फाइव होमवर्क है। इसके बाद आपका आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जस्ट डू इट, आप लोग समझेंगे इंटरोगेटिव के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स होते हैं। जैसे मैं लिखूं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में टू टाइप्स होते हैं। एक पहला होता है जब कोई वाक्य, वाक्य को सेंटेंस बोलते हैं इसमें, कोई वाक्य क्या से स्टार्ट हो। तो जब कोई वाक्य क्या से स्टार्ट हो, जैसे कि मैं लिखूं पहला क्या राम खेलता है, अगर मैं ऐसे लिखूं लास्ट में प्रश्न पर, तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग हो रही है क्या से इसकी, या क्या कब या कैसे पहले क्या से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये एक अलग टाइप होता है। अगर मैं दूसरा, अगर मैं इसका नाम बोलूं तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है सिर्फ उसको ही बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि कैसे, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग है डू या फिर डज। इसके बाद आता है तुरंत सब्जेक्ट, इसके बाद आता है नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन फॉर्म, ये हमारा रूल होता है। लेकिन यहाँ पे नोट में लिखेंगे और चल अच्छा इसके बाद देखते हैं। लेकिन दूसरा टाइप से क्या होता है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स बीच में आए, बीच में आए। इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। पहले तो सबसे पहले दिमाग में चीजें आएगी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते क्या, किस टाइप के होते हैं। मैं आपको लिखना होगा इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में। Interrogative words ये क्या होते हैं, जैसे what होता है, why होता है, what is क्या, why is क्यों, where होता है, where is होता है क्या, कहाँ, when होता है, etc. when is होता है कब, ये हमारे interrogative words में आते हैं। जैसे मैं एक example के थ्रू आपको बताना चाहूँगा, लिखना जैसे होता है किसी को ले लेता हूँ, राम क्या खेलता है, अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो यहाँ पे जो वर्ड्स आ रहा है बीच में आ रहा है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारे क्या आ रहा है इसमें, बीच में आ रहा है। तो इसका कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका रूल जो होता है, अगर तुम लोग लिखना चाहें तो जैसे होता है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स की स्पेलिंग बनाएंगे, मतलब व्हाट वेयर व्हेन एक्सेट्रा। इसके बाद क्या आएगा, तुरंत प्लस डू या फिर डज। इसके बाद तुरंत आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन इन दोनों रूल्स में एक चीज हमें ध्यान देना है, क्या हम नोट करके लिख सकते हैं इसको, नोट, जब सेंटेंस में या वाक्य में नहीं रहे तब नॉट का यूज करें, तब नॉट का यूज करें। इसमें जो होता है कि अगर इसमें नेगेटिव है तब जाकर सब्जेक्ट पर नॉट लगाएंगे,
अगर नहीं है तो नॉट वहां से हटा देंगे। जैसे मैं एक चीज को ट्रांसलेशन से उसको मैं ट्रांसलेट करता हूं तो इसका मतलब ये है सब्जेक्ट होता है डू या डज, सब्जेक्ट नॉट कुछ होता है तो सब्जेक्ट। लेकिन अब इसको हम ट्रांसलेट कर जाते हैं जैसे क्या आंसर है डू या डज। अच्छा जब डू या डज किस कौन डिसाइड करेगा डू या डज का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे है राम, राम क्या होता है सिंगल, सिंगल साथ हम क्या लगाते हैं डज लगाते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे डज लगा देंगे ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें क्या है राम आ जाएगा। इसके बाद रूल क्या था नॉट है, क्या इसमें नॉट है नेगेटिव है, जब नहीं है तो इसमें नेगेटिव हम नहीं यूज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर बात का फर्स्ट नंबर, बात का फर्स्ट नंबर क्या है खेलना, खेलना क्या होता है प्ले, प्ले हो जाएगा। इसके बाद बचता है ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो नहीं लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन। इसके बाद क्या होता है कि अगर इस रूल को हम देखें तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स, इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या है इसमें इंटरोगेटिव वर्ड्स इसमें क्या है क्या किस तरीके का होती है व्हाट होती है व्हाट होता है। इसके बाद डू या फिर डज, तो डू लगाएंगे ना कौन डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, राम क्या है सिंगुलर, सिंगुलर साथ क्या है क्या टेंस होता है तो व्हाट डज। इसके बाद क्या था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम है, राम हो गया। इसके बाद क्या है कि नॉट, क्या इसमें नेगेटिव है कहीं पे नहीं लगा है, जब नहीं लगा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नॉट हटा देंगे नॉट में। एक बार का फर्स्ट टर्म क्या होता है प्ले, ऑब्जेक्ट है नहीं ऑब्जेक्ट है कुछ ना, तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव्स को भी ना वो कर सकते हैं ट्रांसलेट कर सकते हैं इजी। तो आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है या कमेंट सेक्शन में चाहे जैसे आपको सेंड करना है, तो आपको कुछ होमवर्क दे रहा है। जैसे कि कुछ हम आपको एग्जाम्पल और थोड़ा समझाते रहे, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं कि क्या हम हंसते हैं, तो इसको ट्रांसलेट करने जैसे मैं रूल था कि जैसे मैं यहाँ दोनों रूल लिख रहा हूँ डू डज, इसके बाद होता है सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये जब क्या से स्टार्ट होगा ये आपको नोट डाउन नहीं करना है बस रूल आपके सामने रखा जाए। इसके बाद क्या है इंटरोगेटिव वर्ड्स बीच में आते हैं, इसका सामने लगता है इंटरोगेटिव वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसके बाद इसका सब्जेक्ट जाता है सर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का। तो अब क्या है क्या से स्टार्ट होगा कैसे बोले तो डू लगे कि हम बी है बी हम लोग हैं या हम हैं तो हम का मतलब होता है प्लस के साथ क्या लगेगा डू डू बी सब्जेक्ट हो गया बी, इसके बाद नॉट है नेगेटिव नहीं लगाएंगे तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है लाफ हंसना होता है लाफ। यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे कि हम इसी का मैसेज भी कर सकते हैं कि क्या हम नहीं हंसते हैं तो एक नेगेटिव वाला होता है आपको ज्यादा जरूरी है, तो इसमें क्या लगाएंगे डू इसके बाद वी नॉट जस्ट इसके बाद नॉट लगा देंगे इसके बाद लाफ ये हमारा हो जाए। अब एक इसका भी देख लेते हैं वे जैसे दूसरा टाइप का लिख देख सकते हैं वे कब जाते हैं, इसमें इंटरोगेटिव वर्ड्स बीच में आया है इसके लिए क्या लगाएंगे सबसे पहले क्या होता है इंटरोगेटिव वर्ड्स, इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं कि अब इसका क्या इंटरोगेटिव वर्ड्स कब कब क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वे है, वे क्या होता है प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे डज लगाएंगे डू लगा सॉरी डू लगाएंगे तो वैन डू, इसके बाद होता है दे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसी का निगेटिव कर लेते हैं डू दे नॉट गो, अगर इसी को हम बोल देंगे वे कब नहीं जाते हैं तो उसका ये सेंटेंस समाधान हो जाएगा। अब आपको सर्टेन कुछ होमवर्क देना है,
इसको आपको करते जस्ट राइट डाउन तो आप जैसे आपको कुछ होमवर्क देना है अगर मैं पहला होमवर्क लिखूं वे वे इसमें सब दोनों मिक्स है दोनों टाइप के जो इंटरगेटिव वर्ड्स हैं उसमें क्या हो जाएगा वो मिक्स है तो जैसे वे कब खेलते हैं क्वेश्चन मार्क इसके बाद है क्या मोहन लिखता है क्या मोहन लिखता है कर तुम क्या करते हो इसके बाद चौथा है तुम क्या पढ़ते हो क्वेश्चन नंबर सो पांचवा है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं ये पांच आपको होमवर्क है इसको आपको करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग